हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल मलिक स्टडी हब में। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे आज। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12 देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू। यदि दो संख्याओं का योग 3 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है हमसे। मतलब कि यहाँ पर हमें दो जो दिया गया है वो हमें दिया गया है, मान लीजिए दो संख्या, एक एक्स है, एक वाई है, ठीक। ये टू नंबर्स हैं, इन दो संख्याओं का सम दे रखा है, तो मतलब कि एक्स प्लस वाई हमें जो दे रखा है वो हमें 3 दे रखा है, ठीक। और तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर्स का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमें दे रखा है वो हमें 12 दे रखा है, ठीक। अब हमसे पूछा गया है एक्स गुणा वाई, ये पूछा है हमसे। तो यहाँ पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने तो पढ़ा होगा, और 2xy, ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमसे हमें क्या क्या में अवेलेबल है, यहाँ पर x प्लस वाई हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर 9, ठीक, यहाँ 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें 12 दे रखा है, ठीक, प्लस 2xy, ठीक। तो हम यहाँ पर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस मतलब कि ये यहाँ पर हमारा माइनस का 3 और अपॉन 2, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा हमारा माइनस का 3, और ये 2 जो है ये अपॉन में चला जाएगा, मतलब कि 3/2, माइनस का 3/2, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देखिए बिल्कुल ईजी है, दो संख्याएँ एक्स और वाई है, उनका सम दे रखा है 3 और उनका इनके स्क्वायर्स का, उन संख्याओं के स्क्वायर्स का सम दे रखा है वो 12 दे रखा है, ठीक। हमसे एक्स एक्स प्लस एक्स मतलब एक्स गुणा वाई पूछा है, मतलब इनका प्रोडक्ट पूछा है। तो हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 12 दे रखा है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, प्लस 2xy। जब ये 12 इधर जाएगा तो माइनस का 9 में से 12 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 और ये अपॉन में 2 इधर चला जाएगा, तो माइनस का 3/2, xy की वैल्यू हमसे जो पूछी थी वो हमारी ये आ गई। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है एक संख्या को दोगुना करके, मान लीजिए कोई एक संख्या है, कोई x है, ठीक, एक संख्या है x है, ठीक, एक संख्या तो उसको दोगुना करके मतलब कि 2x, ठीक, इस संख्या को दोगुना करके मतलब कि 2x में परिणाम में 20 जोड़ा जाता है, इसमें 20 जोड़ दिया, ठीक। जो जो कह रहा है क्वेश्चन वो करते जाइए, जोड़ने पर वही प्राप्त होता है, मतलब कि वही इक्वल जितना कि उस संख्या के 8 गुना, मतलब कि इस एक्स के 8 गुना में, 8x में, 8x करने पर, गुणा करने पर, 4 की कमी करने पर, मतलब कि इसमें से 4 घटा दिया जाता है, ये क्वेश्चन बन गई हमारी। तो हमसे संख्या पूछी है, तो ये हमारा क्या जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 2x जो है वो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक, 6x बराबर ये 4 आ जाए, इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 24, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी, ये इसका राइट आंसर है। बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल बिना जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करती जाइए। देखिए मान ली एक संख्या x मान ली हमने, एक संख्या यहाँ पर x मान ली, ये x मान ली, अब यहाँ पर बोला गया उस परिणाम में 20 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है, 20 जोड़ने पर, तो इसका दोगुना करने पर वही प्राप्त होता है जितना उस संख्या के 8 गुने में
चार की कमी करने पर, चार की कमी करने पर चार कम कर दिया, मतलब कि माइनस एक्स। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8x में से 2x चले जाएगा, 6x बचेगा, इस 24 ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 20 + 4 = 24 हो गया x, 6x डिवाइड बाई 26, तो ये ऐसे चला जाएगा, ये 6 × 4 = 24 होता है, तो x बराबर 4 आ गया हमारा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले जो इसका नंबर सिस्टम का पार्ट वन था उसमें भी क्वेश्चन कराया था इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए एक बार आप लोग ट्राई करने की कोशिश करें, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या संख्या दे रखी है, एक हमें दे रखी है 8/15, ठीक, एक ये दे रखी है और एक दे रखी है 14/33। पहले इन दोनों में चेक कर लीजिए इन दोनों में से कौन सी छोटी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करेंगे, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 8 × 8 की मल्टीप्लाई 33 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 264, ठीक, ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 15 × 14 कितना हो जाएगा 210, तो इसमें से कौन सी छोटी हो गई हमारी, ये वाली छोटी हो गई। अब इस संख्या को नेक्स्ट वाली संख्या से चेक करेंगे तो 14/13 को हम 7/13 से चेक करेंगे, इन दोनों में से कौन सी छोटी है संख्या, ठीक, तो इसकी इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 14 × 13 कितना हो जाएगा 182, ठीक, और 33 × 17 231। तो इसमें छोटी कौन सी हुई, अब 20 में से यही छोटी है 14/33 छोटी है, ठीक। अब इसको लास्ट वाली से चेक करेंगे 11/13 से, अब यहाँ पर अब ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर अभी 14/33 11/ ये दोनों ऑप्शन में है, ये तो कट गई दो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी कट गया और ये वाला ऑप्शन भी, अब ये दो ऑप्शन बचे हैं, ये दो हमारे पास हैं, तो 33 की मल्टीप्लाई अगर हम 11/13 देखिए ये मतलब कितना भी काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 11/13 दे रखा है, इन दोनों में से कौन सी छोटी आएगी, ये 14/33 आएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक भी कर सकते हैं इसका राइट आंसर ये वाला होगा, ठीक। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने का तरीका ही बताया, जिसको समझ में नहीं आया वो पार्ट वन देखे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इसका एक फार्मूला होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो कोई फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो इसमें देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वेश्चन, क्वेश्चन का 25 टाइम्स है डिवाइजर, डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला गया वो सॉल्व करिए। देखिए डिवाइजर हमें दे रख, यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में जो डिवाइजर है वो 25 टाइम्स है क्वेश्चन का, यहाँ पर डिवाइजर जो है वो 25 टाइम्स है क्वेश्चन का, ठीक। और क्वेश्चन कितना दे रखा है, वो हमें 16 दे रखा है, यहाँ पर द क्वेश्चन इज 16, तो 25 × 16 हो जाएगा। और ये आगे और ये भी बोला है जो एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और 5 डिवाइजर का 5 गुना है, रिमाइंडर का 5 गुना है डिवाइजर, ठीक, ये बोला गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर रिमाइंडर निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर इन दोनों को इक्वल कर दें, मतलब इन दोनों की हेल्प से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, 5 रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 25 × 16 हो जाएगा, तो ये 5 से ही कितनी बार में चला जाएगा, 5 × 5 = 25, तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 80 हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 80 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में सब वैल्यू पुट कर देंगे, हमें रिमाइंडर ही पता है, रिमाइंडर ये हो गया, क्वेश्चन हमें दे रखा है, रिमाइंडर पता है, क्वेश्चन पता है, और डिवाइजर दे रखा है हमें 25 टाइम्स है क्वेश्चन का, तो हम यहाँ पर सब चीज पुट कर देंगे, तो डिवाइजर इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्वेश्चन डिविडेंड आ जाएगा हमारा, डिविडेंड पूछा ना डिविडेंड, तो डिवाइजर कितना बोला है 25 टाइम्स है क्वेश्चन का, तो 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 की,
16 से, ये तो आ गया हमारा डिवाइज़र, ठीक। ये आ गया इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 16 है प्लस 80 रिमाइंडर है, ठीक। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा 600, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6400 प्लस 80, 6480 इसका आंसर हो जाएगा 6480। तो जो डिविडेंड होगा वो 6480 होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। देखिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। देखिए जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक। हमें यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो क्वेश्चन का 16 गुना है, तो जो डिवाइज़र है वो क्वेश्चन का 25 गुना है, 25 गुना बोला है यहाँ पर, 25 गुना। और जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है 16 है, तो 25 × 16 ये हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा डिवाइज़र, ये डिवाइज़र हो जाएगा, ठीक। अब रिमाइंडर निकालने के लिए इन दोनों को जब इक्वल कर देंगे तो 5 remainder = 25 × 16, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो जब इस फार्मूले में सब वैल्यू पुट कर देंगे आंसर निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम्स में बार बार आया है ये, इसलिए मैंने आपको कराया। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल इजी है। ये पूछा गया है इसमें 4^61 प्लस 4^62 प्लस 4^63 प्लस 4^64 किस से विभाजित होगा। ये ऑप्शंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए इसके ऑप्शंस हैं, ये रहे इसके ऑप्शंस। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या बोला गया हमें, 4^61 प्लस 4^62 प्लस 4^63 प्लस 4^64 ये बोला गया। तो ये और पूछा है ये संख्या किससे विभाजित है। तो यहाँ पर हम देखिए, अगर यहाँ पर हम 4^61 तो सभी में आ रहा है, ये 4^61 × 4^60 है ना। तो यहाँ पर अगर हम इनमें से इन सब से 4^61 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस 4^2 प्लस 4^3 प्लस 4^4 यही बचेगा ना, ठीक। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये 4^16 प्लस 4^3 सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जब 4^61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 4^1 बचेगा यहाँ पर, और ये 4 यहाँ पर 4^61 कॉमन ले लिया तो 63 - 61 कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, और ये 4^3 बचेगा यहाँ पर, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 और 1 5 हो गया, ये 16 ये 16 और ये 64, तो यहाँ पर टोटल मिला के कितना आ जाएगा, ये हमारा 4^61 × 85। अब यहाँ पर चेक करिए, देखिए किससे ये 85 किससे विभाजित, ना तो 13 से कटता है ये, ना 11 से, ना 3 से। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 4 हटा देते हैं यहाँ से, मतलब कि यहाँ पर 4^60 कर दें, और यहाँ पर 1 4 ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर 84 × 5 340 हो जाएगा, तो 340 हमारा किससे कटता है, 10 से कटता है, तो यानी कि यहाँ पर इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू वेरी मच।